हेलो स्वीट चिल्ड्रंस ऑफ क्लास 4, कैसे हैं आप सब लोग? आम रवि गौतम योर टीचर। कैसे चल रही है पढ़ाई? ठीक चल रही है ना? सब कुछ स्पेलिंग्स डेफिनेशंस कॉपी में नोट करो, लिखो, याद करो, अभी भी और आने वाली क्लासेस में भी आपके बहुत काम आएंगे, रिकॉर्ड होगा आपके पास। आज का हमारा टॉपिक है द स्कॉलर्स मदर टंग। ये क्लास 4 बुक मैरीगोल्ड से ही एक लेसन है और हमारा सब टॉपिक है क्रॉसवर्ड फन। और सेकंड टॉपिक है, सब टॉपिक है द ट्रुथ बलून। आज हम इसी विषय पर बात करें। दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। देर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। लुक द मैप ऑफ इंडिया इन योर स्कूल। हम हर स्टेट में एक डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है, मैक्सिमम स्टेट्स में। बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं जहां एक ही लैंग्वेज बोली जाती है। अवर नेशनल लैंग्वेज इज हिंदी, तो बहुत से स्टेट्स में हिंदी ही बोली जाती है। अब क्योंकि हमारे क्रॉसवर्ड में हमें क्लूज दिए गए हैं स्टेट्स के रूप में, हम तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है और उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, तो वो स्टेट्स को आप ध्यान में रखें और उस स्टेट में क्या लैंग्वेज भरी जाती है या बोली जाती है वो आपने क्रॉसवर्ड में फिल करना है। आप अपने बुक्स की हेल्प ले सकते हैं या फिर आपके जो मैप्स वगैरह हैं उसकी हेल्प ली जा सकती है। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। लैंग्वेजेस के बारे में बात करेंगे आज हम, और जैसा कि हम कर भी रहे हैं, स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड देयर लैंग्वेजेस। नंबर वन, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल आवर नेशनल लैंग्वेज इज हिंदी। हिंदी, द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज हिंदी। सेकेंड, ओडिशा, लैंग्वेज उड़िया। नंबर थ्री, असम, लैंग्वेज एसमीज। स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखें, जब हम क्रॉसवर्ड भरते हैं तो स्पेलिंग एक्यूरेट होनी चाहिए। नंबर फोर, केरला, मलयालम। नंबर फाइव, गोवा, लैंग्वेज कोंकणी। नंबर सिक्स, गुजरात, लैंग्वेज गुजराती। नंबर सेवन, कर्नाटका, लैंग्वेज कन्नड़ा। नंबर एट, तमिलनाडु, लैंग्वेज तमिल। क्रॉसवर्ड भरने के लिए हमें स्टेट्स का और उनकी लैंग्वेज का ध्यान होना जरूरी है, उसकी नॉलेज होना जरूरी। नंबर नाइन, स्टेट नेम आंध्र प्रदेश, लैंग्वेज तेलुगु। नंबर टेन, उत्तर प्रदेश, लैंग्वेज उर्दू। नंबर इलेवन, स्टेट नेम वेस्ट बंगाल, लैंग्वेज बंगाली। नंबर ट्वेल्व, महाराष्ट्र, लैंग्वेज मराठी। और भी स्टेट्स हैं, उनकी लैंग्वेजेस हैं। आप लोग एक काम कीजिएगा, सभी स्टेट्स की और उसकी लैंग्वेजेस को अपनी कॉपी पर उतारिएगा, और जो स्पेशल स्टेट्स और लैंग्वेजेस मेंशन की गई हैं उनकी स्पेलिंग्स याद करके उसको क्रॉसवर्ड के लिए अपनी कॉपी पे। क्रॉसवर्ड्स के लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ती है, राइट? वो इंस्ट्रक्शंस आपकी बुक में भी दी गई है, लेकिन पहले आप उस चीज को समझिए। मेनली क्रॉसवर्ड सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है अक्रॉस। अक्रॉस हिंदी में जिसे बोलते हैं दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ठीक है, राइट। अब देखते हैं अक्रॉस का, हम लेके चलेंगे आपकी बुक से, एग्जाम्पल ले रहे हैं। एट नंबर, अक्रॉस, बाएं से दाएं, अक्रॉस। एट नंबर आपकी बुक में है, विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन महाराष्ट्र। आपने इसको अक्रॉस लिखना है, MARATI, मराठी। ये लैंग्वेज महाराष्ट्र में बोली जाती है। एक इंस्ट्रक्शन क्लियर। सेकंड इंस्ट्रक्शन, डम वर्ड्स को डम वर्ड्स लिखना है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं नंबर नाइन का, फ्रॉम योर बुक विच
लैंग्वेज इज स्पोकन इन उत्तर प्रदेश. नाउ सी डाउन 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 यू आर डी यू उर्दू उर्दू. नाउ फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. मोर एक्सरसाइज इन योर बुक द ट्रुथ बलून. दिस इज नॉट एन एक्सरसाइज, आई थिंक दिस इज एन एक्टिविटी. तो how to solve, I will try to tell you. There are some attachments with the balloon. Suppose you are going for a camping holiday. तो आप उन वहाँ कुछ दिन रुकोगे तो अपने साथ क्या क्या चार important things ले जाओगे जो आपके बहुत काम आएंगे. उसमें कुछ attachments हैं balloon में, उसमें कुछ लिखा है, उन words को हम उसका meaning देखते हैं. First one, toolbox. और जहाँ पर एक बात जिसमें आपके हैमर सॉ स्क्रू ड्राइवर्स कटर्स वगैरह होते हैं. नंबर टू रेडियो. रेडियो मींस टू कम्युनिकेट विद अदर्स फॉर एनी हेल्प, नॉट फॉर लिसनिंग द न्यूज और सॉन्ग्स. दिस रेडियो इज फॉर कम्युनिकेशन. नंबर थ्री ब्लैंकेट. सब होता है एवरीबॉडी नोस. स्विमिंग किट. स्विमिंग किट मींस अ बॉक्स with needles, threads, buttons, कुछ भी सिलाई का सामान, छोटा मोटा सामान सिलाई का. Money, पैसे. Candle, मोमबत्ती. Football, you know very well. Box of matches, matches की डिब्बी. First aid kit, first aid kit I think आप सभी ने देखी है. और first aid kit हर स्कूल में होती है, जिसमें कुछ छोटी मोटी दवाइयां होती है, जैसे एंटी एंटीसेप्टिक कॉटन और बैंडेजेस, पेन किलर्स इमरजेंसी के लिए. कभी छोटी मोटी चोट लग जाए तो हम फर्स्ट एड किट यूज करते हैं. मैक्सिमम हर गाड़ी में, हर स्कूल में, हर वहां जहाँ होती है, या बच्चे होते हैं या काफी लोग इकट्ठे होते हैं. वाटर बॉटल्स, पानी की बोतलें. हम कहीं भी जाते हैं पानी की बोतल तो कैरी करते ही है. फूड पैकेट्स. फूड पैकेट खाने के पैकेट, ये कुछ और भी पैकेट्स हो सकते हैं, चिप्स वगैरह भी हो सकता है. ज्वेल्स रतन हीरे ज्वारा ज्वेलरी वगैरह. द फाइव वैल्यू बुक्स, कुछ बुक्स जैसे द फाइव वैल्यू बुक्स एंड द गाइड टू अ हैप्पी लाइफ, खुश रहने के तरीके वगैरह, ऐसी किताबें. वन थिंग, जब भी आप इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो हेल्प लेंगे किसी की नहीं, नो हेल्प. ट्राई टू फिल दिस एक्सरसाइज विद योर ओन. आपको बहुत सी चीजों का पता लग गया है. आपको ये देखना है कि आपकी अपनी जरूरत क्या है. आप अपनी बुक की हेल्प ले लीजिए, और हो सके तो आपके घर में कोई और भी गाइड हो तो उसकी हेल्प लीजिए और उससे इस एक्सरसाइज को फिल कीजिए. बाय. और हियर इज द वर्कशीट टोटली बेस्ड ऑन वीडियो. आप स्क्रीनशॉट ले लें या फोटो खींच लें. ये क्वेश्चन लेसन क्लास 4 की बुक मैरीगोल्ड के द स्कॉलर्स मदर टंग लेसन से लिया गया है. इसमें आप एक हॉलिडे पे जा रहे हैं, कैंपिंग हॉलिडे पे, तो आप पांच महत्वपूर्ण चीजें, इंपॉर्टेंट थिंग्स जो भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं, वो इसमें बलून में अटैच्ड चीजों में से चुनिए और नीचे लिख दीजिए. सेकेंड क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए ही डिवेलप किया गया है. आप पिकनिक पर जा रहे हैं, नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं. आपको पिकनिक पे जो भी जरूरी चार सामान चाहिए उन पिक्चर्स के नीचे उनका नाम इंग्लिश में लिख लीजिए. ओके. अगला क्वेश्चन क्रॉसवर्ड से संबंधित है. अक्रॉस और डाउन जो हमने वीडियो में भी देखा, वो क्लूज दिए गए हैं जो आपके बुक से लिए गए हैं. आप इसको क्रॉसवर्ड में भरेंगे, इन्हीं क्लू के आधार पर क्रॉसवर्ड पे भरेंगे. हियर इज द क्रॉसवर्ड. आपकी आसानी के लिए हमने एक लैंग्वेज इसमें डाली है, कोंकणी, KONKANI, कोंकणी. ऑल द बेस्ट फॉर वर्कशीट. थैंक यू वेरी मच.